एक बार तो मेरे को ऐसा लगा था ये रास्ता नहीं मिलेगा, पर फाइनली द्वार अपने लिए था, खोल दिया इन्होंने। लोग इस क्रास में, जैसे वहाँ पे देखिए, वहाँ पे वो बैठी है, दो महिलाएं बैठी है, और वो बीच में जो कपड़े थे वो कपड़े पहन के बैठी है, आप समझ गए होंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग। और आज हूँ मैं सेंट पीटर्सबर्ग में, यहाँ से अभी मैं निकला हूँ इस पेट्रोल पंप से, जो यहाँ पे आज मैंने स्टे की थी वो लास्ट वीडियो में आपने देख ली, रात को मैंने कैसे स्टे की थी यार। वो इतने काइंड थे ना, उन्होंने मेरे को 10 पर्चियाँ दे दी होगी लिख के भी, आप ऐसे जाना ठीक है, मतलब लिख के हर चीज़ दे दी मैंने, ऐसे रख ली यार, क्योंकि गूगल मैप से जाना है मेरे को। तो वो सोच रहे हैं भी कहीं इनको इसको प्रॉब्लम ना आ जाए कोई, और हर जगह है ना मेरे साथ, उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई अपने पेट्रोल पंप के साथ सारा, मतलब लोगों से बताया मिलवाया, मज़ा आ गया यार। मैं तो यहाँ का मतलब गेस्ट हो गया ना, तो पूरा यार काउच सफरिंग वाली फीलिंग आई यार, पूरा अमेजिंग, अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। सर पे चाहे थोड़ा कम था उनके पास काम का, चाहे सफाई का था, पर यार जो रियल में था ना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था निकला। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे होस्ट के पास, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और मिलवाता हूँ एक रशियन कपल से जो यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग में रहते हैं, उनसे मिलवाएंगे आज, उनके साथ दो दिन रहेंगे अपने यार, मज़े करेंगे, चिल करेंगे, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे देखो रशिया में, यहाँ पे हम यार, लोकेशन का मेरे को नाम नहीं पता कहाँ है ये, बट दिस इज़ लोकेशन वेयर आई स्टे एंड देर इज़ ए पेट्रोल पम्प। अगर आप कहीं आओ ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम मजे, तो आप गैस स्टेशन या पेट्रोल स्टेशन जैसे भी है जिसको जो बोलते हैं, वहाँ पे आइए, आपको अकोमोडेशन वगैरह कुछ ना कुछ आपका जुगाड़ हो जाएगा। पर आपके पास स्लीपिंग बैग और टेंट होना ज़रूरी है, ये उसके लिए आप, मैंने पीछे वीडियो डाल दी है अपना अगर रशिया में, तो वो देखिए ज़रूर। तो भाई, जो भाई हमें कल पीटर्सबर्ग से के लिए लेके आए थे ना, उनकी कार में मैं ये डाटा केबल भूल गया था, तो इन्होंने मेरे को मैसेज किया भी आपकी डाटा केबल रह गई है, सुबह लेने आ जाऊँगा, मैं आपको देने आ जाऊँगा। तो ये भाई मेरे को देने आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुपाशिशो बलसाई, जो भी है थोड़ा प्रोनाउंसेशन ठीक नहीं है, थैंक यू सो मच एंड रियली हैप्पी टू मीट यू अगेन, ओके बॉस। तो भाई देखो, लोग इतने अच्छे हैं, ये डाटा केबल मेरी भूल गई, इन्होंने मेरे को मैसेज किया भी आपकी डाटा केबल रह गई है, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं दे जाऊँगा। तो यार डाटा केबल थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपको पता ही है ओरिजिनल डाटा केबल थी, तो मैंने बोल दिया हाँ ठीक है। तो मेरा यहीं पे पास में रुका था, यहाँ पेट्रोल पंप है साथ में है वो गैस स्टेशन जो, तो पास में रुका था, तो इन्होंने बोला मैं सुबह आ जाऊँगा, आप आ जाना मेरे को, मैं दे दूँगा वहीं पर। तो यहीं पर मैं आया था, यहीं पर इन्होंने ड्रॉप किया था, यहीं पर मेरे को देने आ गए। तो यार लोग बहुत ही अच्छे हैं यार, सिर्फ डाटा केबल के लिए वो गाड़ी से सिर्फ देने के लिए आए हैं, रियली वेरी हैप्पी यार। तो लोग इतने हेल्पफुल हैं यहाँ पे यार, मज़ा आ गया। तो अभी चलते हैं नए होस्ट के पास हमारे, वहाँ पे जो हमारा थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं अभी, ठीक है चलो चलते हैं। तो एक बात मैं दोस्तों आपको और बताना चाहूँगा, जैसे आप हिचाइकिंग करते हो या बैग पैकिंग ट्रैवल करते हो ना, तो उसमें आपको शॉर्टकट तो ढूंढना ही पड़ेगा यार। जैसे अभी आपका भाई शॉर्टकट उस रोड से सीधा आ गया इधर, ट्रेन की पटरी क्रॉस करके, और अभी देखो यार ऐसे ऐसे रास्तों में आपको जाना पड़ेगा यार, ठीक है ना, ये एक पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग है आई थिंक। अगर आप बैग पैकिंग करते हो ना, अगर रोड जाओगे ना, फिर बहुत लॉन्ग पड़ जाता है, बहुत लंबा डिस्टेंस पड़ जाता है। अभी मेरे को ऊपर जाके ऐसे जाकर पुल के ऊपर से आना था, पर मैंने वहाँ से सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट मार लिया, ठीक है ना। यहाँ पर ये पतली पतली गली सी बनी हुई है यार, लोग यहाँ पर आते जाते हैं, मतलब तो लोग आते जाते हैं, तो भाई हमें क्या है, हम भी यहीं जाएँगे क्यों, सड़क सड़क से जाएंगे यार, 4 किलोमीटर पड़ेगा, इसे शॉर्टकट में जाएंगे सिर्फ 2 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे ना, 2 किलोमीटर डिस्टेंस बचेगा, तो यार अच्छी बात है। तो मज़ा आ रहा है, अभी ऊपर खबर रास्ते से जा रहे हैं होस्ट के घर, पहुंच जाएंगे आई थिंक विद इन 30 मिनट के अंदर, बाकी दिखाते हैं आपको आगे आगे होता है क्या, बने रहिए वीडियो में दोस्तों। उसको पार करते करते अभी आ गया नाला, और इस नाले को पार करते हैं देखो, मतलब पूरा एकदम फुल एडवेंचर कर रहे हैं यार, फीलिंग क्या होगी, देखो मज़ा आ रहा है ना। लकड़ी का छोटा सा पुल बना हुआ है, और लकड़ी की पेड़ियाँ लगी हुई है, वो उस साइड में पुल है, और ये नाला है भाई, ध्यान से स्पीड बन गया, देख लो भाई ये रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग का नाला है, ठीक है। और आपका भाई कहीं पर जाए यार, मज़ा करेगा, जो मर्जी है, ये भी ज़रूरी है लाइफ में यार, इससे पता क्या, ये एक्सपीरियंस है, सीखने को मिलते हैं, ठीक है, ऐसे एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, चाहे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करो चाहे कहीं पे करो, ठीक है ना। तो अच्छा फील हो रहा है यार, अभी जाएंगे पुल के नीचे से, आगे जाते हैं देखते हैं
क्या होता है, यहीं पे भी रास्ता थोड़ा सा क्लोज सा लगता है मेरे को यार, थोड़ा रिस्की मामला है। आगे जाके देखते हैं होता है क्या यार, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा अपने को, कितना रास्ता चाहिए, कौन सा ट्रक निकालना है ना। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एक बार तो मेरे को ऐसा लगा था कि रास्ता नहीं मिलेगा, पर फाइनली द्वार अपने लिए था, खोल दिया इन्होंने। ठीक है, इधर कार वॉश हो रही है, देखो ऑटोमेटिक कार वॉश करते हैं यार लोग, अपनी गाड़ी लेके आते हैं, पैसे डालते हैं और ऑटोमेटिक अपनी कार वॉश करते हैं। देखिए कोई लगा नहीं है, चाहे जितने पैसा लगेगा, 104 रुपये जितने लगेंगे वो आप ही देंगे और आप ही साफ करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर मतलब पानी है इनका और कुछ नहीं है, स्टेशन बनाया हुआ है। और क्या चीज़ है यार, देखो अभी आगे बिल्डिंग दिखाते हैं, अभी मतलब सही एंटर कर गया अपने, सही जगह आगे, ये पूरे वही है, क्रॉस करके हम नीचे से डायरेक्ट मतलब शॉर्टकट मार गए। शॉर्टकट लाइफ में वैसे करना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, पर कहीं कहीं कर भी लेना चाहिए, नहीं तो हम अब अगर देखें बिहार रोड रोड जाएंगे तो यार 2 किलोमीटर और इतना वेट लेके चलना पड़ता, इसीलिए कहीं कहीं शॉर्टकट ठीक काम आ जाता है, नहीं तो अगर नहीं रास्ता खुला होता तो फिर ये शॉर्टकट लॉन्ग कट में पड़ जाता है ना, तो कहीं कहीं काम आ जाता है। तो यार वॉकिंग करते करते जा रहा हूँ, 2 किलोमीटर आ गया और सफ़र भी बढ़ता ही जा रहा है आगे आगे। अब यार उधर से आया हूँ, देखो घूम घूम आगे 2 किलोमीटर आ गया हूँ, अभी मैप पे 500 मीटर और बता रहा है, तो चलो 2.5 किलोमीटर हो जाएगा, 3 हो जाएगा जल्दी ज़्यादा, 3 किलोमीटर कितना बाहर लेके। ओह या मज़ा आ रहा है, बाकी शहर में पता नहीं लग रहा ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, गाड़ियाँ हैं, लोग हैं, सड़कें हैं, सब कुछ सुंदर ही सुंदर है, तो मज़ा लग रहा है ना, मन लग के आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये वॉकिंग है अपना, स्ट्रीट और इस साइड में बिल्डिंग वगैरह देखिए, एकदम झकास है यार। इधर छोटे छोटे स्टोर बने हुए हैं, हॉस्पिटल लगाई गई, ये हॉस्पिटल यहाँ पे दवाई लेते हैं लोग, प्लस का निशान लगा ऊपर, इसलिए पता चल रहा है, मज़ा आ रहा है। बाकी एकदम परफेक्ट है काम, पहुँच जाएंगे विद इन 10 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे ज़्यादा ज़्यादा, जैसे हिसाब से गूगल बता रहे हैं, बाकी देखते हैं अभी जा रहे हैं आगे। तो भाई अभी चल रहे हैं, पार्क आ गया, एक बहुत बड़ा पार्क आ गया, सेम लाइक जैसे बारादरी का पार्क है, रोज़ गार्डन होता है ना अपने, वैसा पार्क है, पर यहाँ का फ़र्क पता है क्या है, लोग इस ग्रास में जैसे वहाँ पे देखिए, वहाँ पे वो बैठी है, 2 महिलाएं बैठी है और वो बीच में जो कपड़े थे वो कपड़े पहन के बैठी है, आप समझ गए होंगे, वहाँ पे एक भाई और बैठा है। तो पार्क में ये यहाँ पे सन बाथिंग कर रहे हैं, आई थिंक धूप का मज़ा ले रहे हैं और अच्छा लग रहा है यार, मतलब पार्क तो पार्क ही होता है ना, वहाँ पे अपने बंदे और साहब के पार्क में मिलते हैं, यहाँ पे मज़े चिल कर रहे हैं, मतलब पिकनिक सा बना रहे हैं यार, एकदम पड़े हैं मज़े से, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्या सोचे नहीं, इनका कल्चर ही ऐसा है यार, इनको क्या सोचना है किसी ने, अच्छा लग रहा है। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, चाहे कोई भी आए, सारी गाड़ियाँ गुड़ियाँ एकदम रुकी हुई है, एट ए टाइम, ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे लगा हुआ टाइम वही टाइम आपको रखा जाएगा और सारी आपकी वेट करेंगे, वेट करके चले गए। और यहाँ पे एक छोटी सी झील है, लोग यहाँ पे आते हैं मज़ा लेने के लिए। तो रास्ते में आ गई झील, दिखा दें आपको, ठीक है, ये यार 3 किलोमीटर का डिस्टेंस हो ही गया नियर अबाउट, अभी इस झील के पास ही उनका फ्लैट, तो पहुँचने वाले ही हैं ऑलमोस्ट अपने। तो मैं आपको थोड़ी सी झील दिखा दूँ, वैसे उन्होंने बोला है 5 बजे तक हम घर हैं, नो प्रॉब्लम, आ जाना कभी भी, अभी टाइम तो 10:40 हुआ आई थिंक। देखिए झील, बिग बिल्डिंग्स, पीपल आर फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग, अमेजिंग वन, क्या बात है यार, वेल यार जो ये लेक है ना यहाँ पे, मतलब लोग जो बीच वाला फीलिंग ले रहे हैं यार, आपको एक छोटा सा राउंड दे के आता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इधर साइकिल है, तो यहाँ पे लोग पड़े हैं लंबे, आगे भी वो देख लो, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, और उस साइड में आपको दिखाऊंगा मैं वहाँ पे। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue.
need to cry as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. अभी तड़प भी जा रहा हूँ, लिफ्ट का ओके हो गया काम अभी तो, बाकी अभी देखते हैं निकलते हैं यार बाहर। और अमेजिंग एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम उन्होंने कीवर्ड दिया, वो कीवर्ड लगाया ऑटोमेटिक खुल गया, लोग अभी अंदर आ गए हैं। देखते हैं भाई, थर्ड नंबर पे आ गए भाई, फ्लैट नंबर आ गए, अभी देख लेते हैं एक बार यार, फिर बात करता हूँ। दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं जो हमारे होस्ट है ना उनके घर पे, तो अभी एंट्री की है और इन्होंने मेरे लिए ब्रेकफास्ट वगैरह थोड़ा सा मिला के एकदम तैयार कर दिया, परफेक्ट कर दिया यार, बहुत ही अच्छा यार, एकदम अमेजिंग हो चुका है। अभी आपको मिलो बताता हूँ सर, नेम माइक, ये माइक है और ये माइक की वाइफ है ऐना, इनका नाम ऐना है। ये बहुत ही यार मतलब हॉस्पिटैलिटी इनकी अमेजिंग है, बहुत ही ये मेरे को देख के खुश हुए। आई एम ऑल्सो रियली हैप्पी टू मीट यू गाइज एंड दिस इज़ आई थिंक मेमोरेबल टाइम फॉर मी एंड आई नेवर फॉरगेट अबाउट दिस ट्रिप बिकॉज ऐना एंड माइक डी ट्रेवल नियर अबाउट 150,000 किलोमीटर हिच हाइकिंग। सो आई थिंक आई लर्न अलाउट, दिस इज़ माई फर्स्ट इंप्रेशन राइट नाउ हेयर, बट आफ्टर वी विल टॉक अबाउट इट एंड दे विल गिव मी दियर एक्सपीरियंस टू ट्रेवल, हाउ टू हिच हाइकिंग एंड हाउ टू सर्वाइव इन अदर प्लेस लाइक दिस टाइप ऑफ दिस स्टफ आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम दैम एंड सो आई थिंक इट इज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड दे मेक ए ब्रेकफास्ट लाइक दिस फॉर मी एंड रियली अमेजिंग। दिस इज़ व्यू ऑफ द बॉलकनी फ्रॉम देयर हाउस, माई गॉड दिस इज़ रियली अमेजिंग एंड आई एम रियली हैप्पी टू गाइस अगेन, थैंक यू सो मच टू होस्टिंग मी एंड आई थिंक this is well hospitality for me and I'm really appreciate to you, thank you so much. You're welcome. So दोस्तों I hope you enjoy this vlog, इनकी hospitality बहुत ही amazing है यार और I am really impressed and आगे आपको दिखाते हैं next vlog में सब कुछ। आशा करता हूँ ये vlog आपको अच्छा लगा है, लगा तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन बन जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।